एक दो नहीं, 5 करोड़। 5 करोड़ रुपया किसी और जगह इन्वेस्ट करने के लिए मैंने तुम्हें दिया है। टोनी, छोटे मोटे लफड़े हर मंगले में हैं। कल तक मैं सारी देखरेख करता था, वो भी वेल प्लान्ड। मैंने जिसे मूर्ति चोरी करवाने के लिए भेजा था, मैंने उसे मार दिया। जिस पंडित को मैंने वहां भेजा था, उसे भी डराकर वहां से भगा दिया। इस तरह मैंने उस बंगले को सेफ किया था। लेकिन अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हो सकता है सच में वहां कोई आत्मा रह रही हो। कल वहां पर ऐसा लगा जैसे कि कोई आत्मा हो। तू पागल है? प्रेतों के जैसा किस जमाने में जी रहा है तू? एक बात सुन ले, अगर तू मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है ना, तो याद रखना। हाँ, थोड़ी और बिगड़े तुझे कुछ नहीं होगा, तू नहीं डरेगा। ओह, मैं सारी शराब पी जाऊंगा इसलिए बोल रहे हैं आप? हाँ। भाई बोल। भाई, अपनी आंखों से आपने मुत्तू गिद्दी पर देखा होगा। मैं देखता नहीं हूँ मुत्तू, मैं सिर्फ सुनता हूँ। ठीक, इसका मतलब अब तक आपने आंखों से भूत को देखा ही नहीं। देखने की क्या जरूरत है, उन्हें सुन के ही समझ में आ जाता है, उनके जज्बात, उनकी ताकत, वो कौन है, सब कुछ। हाँ। अगर एक बार मैं भूत को देख लूं तो? देख लेता तो? उस दिन इनकी पैंट गीली हो जाएगी भाई। मैं टंकी खाली करके आता हूँ। उधर जाना। अबे मैं जाता हूँ आराम से। भाई उधर भूत हो सकता है, संभल के जाना। जो भरा है वो तो खाली होगा। चांद, तू पानी मिल रहा है? मैं इधर हिल रहा हूँ। सेम प्रिंस, मैं आता हूँ तेरे पास। सीढ़ी भी दूर है, कुएं में तो सीढ़ी लगाने की क्या जरूरत। प्रीतात्मा, भूत बादल, भूत बचाओ, बचाओ, भूत, भूत बादल, भूत। भैया क्या हुआ? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? भूत, भूत है वहाँ पे। भूत? तुम्हारा वहम होगा। अरे मैंने भी आंखों से देखा, वहाँ कुएं में भूत है, जाके देखो। क्या बकरा है? आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अपनी आंखों से देखा है। आपने भूत प्रेत की बात छेड़ी तभी मैं समझ गया था, आप कोई नौटंकी जरूर करेंगे। तुम बेकार का चिल्लाना बंद करो, जरा चुप रहो। ये बताओ कहाँ देखा इसको? मैं यहाँ। तू डर मत, जरा चुप रह, आ चल जाकर देखते हैं। चलो चलो। मैं भी आ रहा हूँ। मेरी बात को विश्वास नहीं मान रहे थे ना? चलो चलो। देखा ना भाई, ये आवाज कैसी? वो मेरे पेट की गैस है। भैया संभल के। ए, ए, ए।
आओ, तुम आ ही गए है ना। मैं जानता था तुम आए बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते थे। देखो, अब यहां ज्यादा दिनों तक तांडव नहीं चलेगा। तुम्हारे आने के बाद मैं उसका अंत देख रहा हूं। ऐसा नहीं होता तो जो मैं जानता हूं, इस बंगले में आने की हिम्मत और कौन कर पाता। मेरे यहां आने की वजह सब जानते हैं। समझ गया। ऐतराज ना हो तो कुछ देर के लिए मेरे साथ बैठेंगे। लेकिन भाई, मुझे कोई ऐतराज नहीं। कई दशक के बाद कोई यहां ये कहने की हिम्मत कर पाया है। मैं आऊंगा। ये बूढ़ा मरा तो कल भूत प्रेत ही बनेगा। उस बंगले का मालिक विलियम डिसूजा था। कई दशकों से यहां उधम मचाने वाले कई प्रेत आत्माओं को मैंने अपनी आंखों से देखा है। बहुत बड़े व्यापारी होने के बाद भी वो अपने गांव वालों से और उनके गांव वाले भी बहुत प्यार करते थे, उनकी बहुत इज्जत करते थे। सच्चाई उनकी जुबान पर गुलाब के जैसे महकता था। ऐसे थे विलियम डिसूजा। उनकी एक इकलौती बेटी थी लिया। मोतियों से ज्यादा खूबसूरत और साफ दिल की थी। बचपन में अपनी मां को खो देने के बाद भी कभी उसे तनहाई महसूस नहीं हुई, क्योंकि डिसूजा उसे दोनों का प्यार देते थे। घर का कामकाज देखने के लिए डिसूजा साहब ने एक नौजवान लड़के को रखा। उसका नाम था देवनारायण। वक्त गुजरता गया, जवां दो दिल एक दूसरे की तरफ खिसते चले गए। उन दोनों की खुशियों के बीच अचानक एक शैतान की नजर पड़ी। दो हंस की जोड़ी को हंसते खेलते देखकर उस शैतान ने बड़े मालिक को बता दिया। ये सुनकर बड़े मालिक विचार में पड़ गए। बड़े मालिक अपने मानसिक तकलीफ को दूर करने के लिए एक तांत्रिक को बुलाते हैं। अपनी दुख तकलीफ को उसके सामने रख देते हैं। बड़े मालिक ने उसके उपाय ढूंढने को कहा। लिया के मन से देव नारायण की यादों को हमेशा के लिए निकाल दूंगा, ये वादा तांत्रिक अग्नि शर्मा ने मालिक से किया। लेकिन लिया की खूबसूरती और नटखटपन को देखकर अग्नि शर्मा उस पर मोहित हो गया और उसे हमेशा के लिए अपना बनाकर रखने का फैसला किया। एक दिन देव नारायण को धोखे से काम के बहाने ले जाकर उसे मारकर पहाड़ के खाई में फेंक दिया अग्नि शर्मा ने। वहां से सीधा बंगले की ओर बढ़ा अग्नि शर्मा और लिया को अपने वश में कर लेने का प्रयास किया। देवनारायण की हत्या उसने की है, ये सुनते ही लिया ने जान दे दी। ऐसी शैतानी रूप में यहां था वो अग्नि शर्मा। उसके बाद लिया की आत्मा और देवनारायण की आत्मा कभी एक साथ नहीं हो पाई। अग्नि शर्मा ने अपनी तांत्रिक शक्ति से बुरी आत्माओं को अपने वश में करके इस बंगले के चारों ओर उनका पहरा लगा दिया। उसके बाद अग्नि शर्मा ने आत्महत्या कर ली ताकि देव नारायण और लिया की आत्मा एक ना हो पाए। आ, 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 आ,
बाप रे, भयानक घटना। अच्छा, ज्यादा मत पियो, जाके इन्हें छोड़ के आओ। भैया ने बोला ज्यादा मत पियो। मैं छोड़ तो मुझे कौन छोड़ेगा काका, थोड़े पियोगे? नहीं बस, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। आप लोगों को पता है क्या, यहाँ अद्भुत घटना होने का समय हो गया है। मरकर भी जो यहाँ अशांति फैलाना चाहता है, अशांति फैलाना चाहता है, अशांति फैलाना चाहता है, अशांति फैलाना चाहता है। तुम्हें सच्चाई का पता है क्या? नहीं। इस मासे की बीवी की मौत डर से हुई है, डर से। आपको कैसे पता? अशांति इसी को देख के। अशांति का खेल है सब, अशांति का फैलाने वाला है, अशांति फैलाने वाला है। सुनना, वो बाहर जो उस बूढ़े ने कहा, तुम्हें उस बात पे विश्वास है क्या? यहाँ पर ना भूत है ना ही कुछ और, यहाँ पर सिर्फ खजाना है, खजाना। समझ रहा है तुम्हें क्या बोल रहा हूँ? ताकि मंदिर में कोई प्रवेश ना करे। तो हम जा पाएंगे भैया? जाएंगे, इस मंदिर में हम लोग जरूर जाएंगे और अपने इन्हीं हाथों से खजाने को लूटेंगे। इन्हीं हाथों से? क्या हुआ भैया, उल्टी? उल्टी